याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 times बड़ा, सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में, और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। तो ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अ 6-lane एक्सप्रेसवे दैट विल स्टार्ट एट सिवरी, क्रॉस द थाने क्रीक एंड एंड एट चिरले नियर नवशिवा इन नवी मुंबई। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। दिस लिंक विल ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर कनेक्टिविटी बिटवीन 2 ports, मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 किलोमीटर्स में से 16.5 kilometers है ओवर द सी एंड रेस्ट ऑन लैंड, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नवशिवा अटल सेतु। Well, you've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वल। Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मजा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 kilometers per hour, but as you can see, अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। I think just last finishing touches that are happening. Sivri has always been known for the migratory birds that visit every year. हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 lakh flamingos आते हैं across Thane Creek Flamingo Sanctuary, Sivri Nava and adjacent zones. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो। Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. It's important to note कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडरसी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 rescue bays बनाए गए हैं, पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 kilometers में क्रॉस ओवर जो सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज किए जाएंगे। Honestly speaking, the view is spectacular. I mean, I've never seen this skyline of Mumbai ever before. And also on the other side, bahut hi sundar, bas aap samundar se ghire hue ho. This is such a joy. So
तो यही है वो टोल नाका दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. नवी मुंबई से आप जैसे ही एंटर करते हैं ऑन MTHL, यू विल सी इट देयर. एंड कैन आई टेल यू समथिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंडिया में होगा ओपन रोड टोलिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि गाड़ियों को यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा. इन अ मूविंग कार योर टोल विल बी कलेक्टेड बिकॉज योर व्हीकल नंबर विल बी लिंक्ड फॉर टोल कलेक्शन. Of course, there's going to be fast tag as well. There are going to be barriers for those of you who break rules. But that's not going to happen here because this is a way forward in digitization as well as modern India. Hamara travel time to kam hua hi hai aur saath hi mein aapka toll pay waiting time bhi kam ho raha hai. Aur mujh jaise foodies ke liye, there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. The food plaza was still getting ready on our last visit, but जब भी ready होगा आपको यहाँ सारी amenities मिलेंगी. ये bridge सिर्फ convenience नहीं बल्कि modern India का एक major symbol है. Prime Minister Modi जी का vision और state government and authorities की मेहनत का नतीजा. Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है. आई कांट वेट टू सी व्हाट द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल रियली लुक्स लाइक. तो जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, बट रिमेंबर टू फॉलो ऑल द रूल्स सो दैट वी गेट मोर ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी साइनिंग ऑफ. बाय.